मैं भी पढ़ के आया हूँ यार, इंजीनियर हूँ, मैंने भी पेपर दिया था, मैंने भी किताबें सॉल्व करी हैं जो तुम कर रहे हो। आपकी लड़ाई है उन सवालों से जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन सही बताएं ना, बहुत प्यारा पैटर्न है एग्जाम का, एमसीक्यू टाइप। सोचो अगर लिखने के लिए आ जाता तो हालत खराब हो जाती है ना। एमसीक्यू कितना आसान है भाई, सोचो, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो तुम। बस उसके लिए कुछ तरीके हैं क्या एमसीक्यू की सॉल्व करने की, आज हम टिप्स और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखें, इधर देखें। पहला पॉइंट जो लिखा है वो क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, देख रहे हो आप। पहली बात तो आपको सवाल पूरा पढ़ना है। जब भी आप सवाल लगा रहे हो, आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसलिए आपको पहले से तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है? तैयार है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का साइज देख के डिसाइड करते हैं कि अभी हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसी गलती नहीं करने का, साइज देख के डिसाइड नहीं करना है। बड़े साइज के क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। देखो भाई, इतनी लंबी थ्योरी लिखी है, एक बार रीड कर लोगे ना आंसर आ जाता है, ऐसा भी होता है, देखना। तो आपको सवाल को पूरा पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। जी हाँ सर, ये कैसे पता चलेगा? जब आप सवाल पूरा पढ़ेंगे और चार ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, तो जब चौथे ऑप्शन का आखिरी अल्फाबेट खत्म हो रहा होगा, तो अंदर ही अंदर आपको यह समझ में आ जाता है कि यह वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सही बात है, यह वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही होता है ना आपके साथ। तो यह वाली बात ध्यान रखें, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं सकता, तुरंत काटो। तीसरा, रीड एवरी आंसर ऑप्शन, यह भी आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल पढ़ लिया, आपको सारे ऑप्शन भी पढ़ने हैं। पता चला पहला आपने पढ़ा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसका आंसर फर्स्ट लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि वो तो आपको फील हो रहा था। एक बार बाकी के ऑप्शन भी पढ़ के देख लिया करो, उससे क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है। तो सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा तो सेकंड लग रहा है मुझे, बाकी की पढ़े नहीं आपने, ना गलती नहीं, थर्ड और फोर्थ भी आप पढ़ लें, ऑप्शन भी पूरे पढ़ें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, फोर्थ नंबर, मेक एन एजुकेटेड तुक्का। ये क्या होता है सर, ऐसा नहीं है कि अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 बुरे सो, ये नहीं करना वहां पे, ऐसा नहीं करना। सवाल को पढ़ के उसकी भावनाओं को समझते हुए तुक्का मार सकते हो, है ना। अब ये मत करना कि अरे सर तुक्का मारना सिखा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम अंधी में तुक्का मारो। अरे आगरा इसका आगरा लगाया था मैंने, चलो इसका बदलापुर लगा देते हैं, यार दो बदलापुर एक साथ हो गए, अब चेन्नई होगा। कई लोग ऐसे करते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं करना। तो ये वाला खेल नहीं खेलना, ये खेल बहुत खतरनाक है, नहीं तो तुम्हारा खेल हो जाएगा स्क्विड गेम जैसा, ठीक है? तो आपको एकदम समझदारी भरा तुक्का मारना है। आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, मतलब आपकी अंतरात्मा की आवाज आ रही है, आपके अंदर से आपने सवाल पढ़ा, आपको लग रहा है यार इसमें तो यार ऐसी चीज नहीं होती थी, मैंने तो ये वाली चीज सुनी नहीं कभी, तुरंत काट दो, ठीक। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज तभी सुनना है आपको, जब आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आ जाए। लेकिन ठीक है, मुझे थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं याद नहीं आ रहे, लेकिन हल्का धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। तो इस धुंधले के बेसिस पर भी आप कुछ चीजें सोच सकते हो, ऑप्शन पढ़ के आपको ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है, ठीक है? तो अगर आपको एकदम लग रहा है कि यार ये वाला है तो है, ठीक। एक पांचवा पॉइंट लिखा है क्या, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, ये क्या कॉन्सेप्ट है? कई बार क्वेश्चन में ऐसा रहता है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आपने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, मान लो आपको बी गलत लग रहा है, आपने सॉल्व किया गलत आया बी, इसका मतलब बी नहीं है तो डी भी नहीं होगा, तो ए और सी में से चुनना है। तो कुछ एलिमिनेशन वाली टेक्निक आप यहां इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है दो ऑप्शन सही आ जाते, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑल ऑफ द अबव लगाओ, ठीक है? बहुत बेसिक सी चीज है तो। और यूजुअली ऐसा देखा गया है बहुत सवालों में, ऑल ऑफ द अबव बहुत सारे आंसर होते हैं, नन ऑफ द अबव नहीं होते, ऐसा देखा गया है। इसका मतलब 100% ट्रू नहीं है, ऑप्शन पढ़ना भी आपको। मैं भी पढ़ के आया हूँ यार, इंजीनियर हूँ, मैंने भी पेपर दिया था, मैंने भी किताबें सॉल्व करी हैं जो तुम कर रहे हो। तो ऑल ऑफ द अबव यूजुअली होता है, नन ऑफ द अबव नहीं होता, ऐसा होता है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।